अस्सलाम वालेकुम, मैं ओम सारसत्ती और आप देख रहे हैं पीटी टीवी। पीटीआई कोई मौका जाने नहीं देती कि साबित करे कि वो एक मुल्क दुश्मन जमात है। 2014 धरने से शुरू हो जाए तो चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा मंसूख हुआ पीटीआई के धरने की वजह से। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया गया, बिजली के बिल जलाए गए, मुल्क तोड़ने की बातें की गई। और चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर दावा बोला था, खुद तो वो गायब हो गए थे लेकिन 800 पीटीआई के कारकुनान को उन्होंने गिरफ्तार करा दिया था इस्लामाबाद पुलिस के हाथों। अब एक बार फिर पीटीआई ने डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है और वो भी 15 अक्टूबर को, जिस दिन एससीओ इजलास होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। तो फैसला आपका कि ये खुली मुल्क दुश्मनी है या नहीं।